नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे टोल प्लाजा को लेकर, इसका जो टोल टैक्स है उसके काटने के तरीकों में अब बदलाव किया गया है। टोल प्लाजा पर टोल लेने के लिए पहले गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगने के बाद फास्टैग की शुरुआत की गई, जिससे कि गाड़ियों की लगने वाली लाइन को कम किया जा सके। टोल टैक्स पर फास्टैग एक वरदान के रूप में सामने आई है। फास्टैग में कैश के रूप में वसूली बंद हो गई, इसके जगह पर नेविगेशन सिस्टम के जरिए टोल वसूली की शुरुआत की जा रही है। सरकार अब टोल को लेकर नई व्यवस्था लाने की पूरी तरीके से विचार बना लिया है। कहा जा रहा है कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से टोल टैक्स वसूलने की शुरुआत सबसे पहले यूरोपियन देशों में शुरू हुआ था, जो कि सफल रहा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो जर्मनी और रूस में इसी तरह से टोल वसूली की जाती है। विदेश में यह पद्धति काफ़ी सफल रही। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, या हम यूँ कहें कि भारत सरकार ने इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए अब टोल की वसूली की जाएगी। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। टोल को लेकर अब जो बात कही जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि आप हाईवे पर जितनी दूरी तक सफ़र करेंगे उसके किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा और उतना ही पैसा आपसे कटेगा, यानी कि आपके अकाउंट से उतना ही पैसा कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप जैसे ही नेशनल हाईवे पर सफ़र की शुरुआत करेंगे, नेविगेशन के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से यात्रा की शुरुआत की है, और आप जैसे ही नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि आपने नेशनल हाईवे को कहाँ छोड़ दिया। इस हिसाब से जहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत की गई, जहाँ आपने इसको छोड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी को माप कर आपके टोल वसूल लिया जाएगा। इस नए सिस्टम को लेकर भारत सरकार ने ट्रायल की शुरुआत कर दी है। ट्रायल के रूप में पूरे देश में 1.37 लाख गाड़ियों को चिन्हित किया गया है। अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 38,680, दिल्ली में 29,709, उत्तराखंड में 14,401, छत्तीसगढ़ में 13,592, हिमाचल प्रदेश में 10,284 और गोवा में 9,112 वाहनों को टोल व्यवस्था के तहत जोड़कर रखा गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में एक एक वाहनों को ट्रायल के रूप में इस नेविगेशन सिस्टम के तहत जोड़ा गया है। भारत सरकार फिलहाल इस नए सिस्टम का एक पूरा खाका तैयार कर रही है, जिसके बाद से कि देश के पूरे हिस्से में, यानी कि पूरे राज्य में इसको लागू किया जा सके और उस समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इससे पहले टोल टैक्स के रूप में जो किराया लिया जाता था, उसमें एक बार अगर आप टोल टैक्स से अगर आप गुजर गए, यानी कि एक बार आपने अगर टोल टैक्स से पैसे कटवा लिए, तो समझिए कि आपका किराया पूरे हाईवे के लिए हो गया। लेकिन अब जो नया सिस्टम लगाया गया है उसमें आपको उतना ही किराया लगेगा जितना कि आप हाईवे पर सफ़र करेंगे। ऐसे में यह नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहनों के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही साथ यह वाहनों की लंबी लंबी लाइनों से भी लोगों को छुटकारा देने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स पे एक लंबा समय गाड़ियों का बीतता है, जिसके चलते उनका समय भी तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ पैसे भी अधिक लगते हैं। ऐसे में अब जो नया सिस्टम नेविगेशन सिस्टम आया है उसके तहत आपको किलोमीटर के हिसाब से नेशनल हाईवे हो, हाईवे हो, उन सब पे पैसे काटे जाएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।